मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 6th चैप्टर एकता की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एकता की शक्ति। तो इसमें सभी पेड़ों की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि किस तरह से सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी वो किसी भी संकट को टाल सकते हैं। तो आइए पहले कहानी के बारे में पढ़ते हैं। एक घना जंगल था, खूब हरा भरा और पशु पक्षियों से भरपूर। सभी पशु पक्षी हिल मिल कर रहते थे। वहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों पर चलने के दौरान पशुओं को कुछ अजीब चीज़ें दिखीं। सबने मिलकर वह जगह कुछ और साफ की तो देखा कि वहाँ ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थी। लोहे की कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें यहाँ छिपा कर रखा है। कुल्हाड़ियों पर एक नज़र डाल जानवर तो आगे बढ़ गए, परंतु पेड़ों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति के दिन खत्म हो गए हैं। तो ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि जब पशु पक्षी जंगल में घूम रहे थे और उन्हें वहाँ पर लोहे की कुछ कुल्हाड़ियाँ मिली थी, तो उन कुल्हाड़ियों को देखकर जो पशु थे और पक्षी थे उन्हें इस बात से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह कुल्हाड़ियाँ उनके लिए नहीं थी। लेकिन जब पेड़ों ने उन कुल्हाड़ियों को देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि अब हमारी सुख शांति के दिन ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि कुल्हाड़ियाँ जो हैं वो पेड़ को काटने का काम करती है। कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने का काम करती है। तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने एकत्रित किया होगा और किसी न किसी दिन वह हम सबको ज़मीन में मिलाने के लिए आ धमकेगा। बात जंगल के सबसे बुज़ुर्ग पेड़ तक पहुंची। वह बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी काफ़ी मोटा था। दूर से ही देखने में लग रहा था उसने काफ़ी दुनिया देखी है। उसने परेशान हाल पेड़ों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ों ने एक स्वर में कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ज़रूर यह किसी लकड़हारे का काम है। जल्दी ही वह आएगा और हमें काटकर ज़मीन में मिला देगा। अब हमारी सुख शांति के दिन गिने चुने ही हैं। तो कुल्हाड़ियों को देखकर जो पेड़ थे उनकी चिंता और अधिक बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब किसी भी दिन लकड़हारा आकर हम सब पेड़ों को काट डालेगा। लेकिन जंगल में एक बहुत ही बुज़ुर्ग पेड़ था जो बहुत ऊंचा था और उसका तना जो था वो भी बहुत मोटा था। तो वह उन सब परेशान जितने भी पेड़ थे उन सब पेड़ों को देखकर उनसे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो तब पेड़ उस बुज़ुर्ग पेड़ को अपने मन की चिंता के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने आज जंगल में कुल्हाड़ियाँ देखी और उन्हें लगा कि अब हमारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। बुज़ुर्ग पेड़ ने पूछा, खाली कुल्हाड़ियाँ ही हैं या उनमें बेंट भी लगे हैं? पेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। बुज़ुर्ग पेड़ ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, तो अभी डरने की बात नहीं है, खाली कुल्हाड़ियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तभी हमें नुकसान पहुँचा सकेंगी जब हमारी जात का कोई उनसे जाकर मिल जाए। जब तक हमारे बीच से कोई भेदी उनके साथ सहयोग नहीं करेगा तब तक खाली कुल्हाड़ियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो बुज़ुर्ग पेड़ ने उनसे पहले पूछा कि खाली कुल्हाड़ियाँ ही हैं या उनमें बेंट भी लगे हैं, बेंट यानी उनके साथ जो उनका हैंडल होता है उन्हें पकड़ने के लिए। तो पेड़ों ने जवाब दिया कि नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। तब बुज़ुर्ग पेड़ ने उन्हें थोड़ी सांत्वना दी और कहा कि डरने की अभी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कुल्हाड़ी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसमें बेंट ना लगी हो। तो इस समय हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो लकड़हारे हैं वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और नुकसान हमें तब होगा जब हमारी जात यानी कि जो कोई पेड़ है वो उनके साथ मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो भेद है वो कोई उन्हें बता देगा। तो पेड़ों ने एक स्वर से कहा, हम हमेशा एक रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे।
देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियाँ हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो जो पेड़ थे, क्योंकि अब तक वो सभी एकता के साथ रह रहे थे, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बहकाए में नहीं आएंगे और अपनी जो एकता है उसे हम टूटने नहीं देंगे। तो ये जो कुल्हाड़ियाँ हैं ये हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बुज़ुर्ग पेड़ ने भी स्वर मिलाया, हाँ तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो, कोई कितना भी बहकाए, एक दूसरे की आलोचना करे, परंतु तुम उसकी बातों में न आना और किसी भी तरह से अपनी एकता भंग ना होने देना। अब तक सैकड़ों सालों से तुम जो चैन की सांस लेते रहे हो, तुम्हारे जंगल हरे भरे हैं और उनके बीच तमाम पशु पक्षी बसेरा पाते हैं, वह सिर्फ इसी कारण है कि तुमने अपनी एकता बनाए रखी है और इस तरह अपना अस्तित्व भी बचाए हुए हो। तो बुज़ुर्ग पेड़ उन्हें यही सलाह देता है कि तुम्हें अपनी एकता पर ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बहकाए में आकर अपनी एकता को टूटने नहीं देना है। और जिस तरह से अब तक तुम सैकड़ों सालों से जीते रहे हो, तुम्हारा ये जो जंगल है ये हरा भरा है और पशु पक्षी जो है यहाँ पर अपना बसेरा पाते हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारी एकता की वजह से, और इसी एकता को अगर आप आगे भी बना कर रखेंगे तो आपका जो अस्तित्व है वो बचा रहेगा, अन्यथा आपका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अरसे बाद सभी पेड़ों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने बुज़ुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपने बीच की एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। तो इसमें आगे बताया कि हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है, इसमें भले ही कुछ कमजोरियां हों परंतु एकता के बल पर ही हम उन पर विजय पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में तुम्हें भी हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। समाज में सभी की उपयोगिता है, इन सभी की एकता से न ही समाज आगे बढ़ेगा बल्कि उसकी बुराइयां भी दूर होंगी। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि अगर हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एकता से रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिस तरह से हमारे हाथ में पांच उंगलियां होती हैं, पांचों भले ही अलग अलग होती हैं लेकिन उसके बाद भी जब सब एक साथ मिल जाती हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी वो आसानी से कर लेती हैं। तो उसी तरह हमारा जो समाज है उसमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, तो अभी तक सभी मिलजुल कर रहते हैं। यही कारण है कि जो हमारा भारत देश है वो अनेकता में एकता की मिसाल बना हुआ है। तो उसी तरह हमें आगे भी उसी को आगे बढ़ाना है और हमेशा एक बनकर रहना है, क्योंकि जब हम सब एक बनकर रहेंगे तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा, वरना तो हमें दूसरे देशों की तरह, जिस तरह दूसरे देशों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, तो उसी तरह से हमें भी उसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें यही बताया है कि हमें जो है हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर हम एकता से नहीं रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठाएगा। तो अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है, अपने देश में शांति हम चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबको मिलजुल कर और प्रेम से रहना होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। सबसे पहले है, पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला? तो इसका आंसर है, पशुओं को पेड़ के नीचे लोहे की कुल्हाड़ियाँ मिली। सेकंड, कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरे पर क्यों हवाइयाँ उड़ने लगीं? तो इसमें पहले आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरों पर इसलिए हवाइयाँ उड़ने लगीं क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुज़ुर्ग पेड़ कैसा था? बुज़ुर्ग पेड़ बहुत ऊँचा और मोटा था। नेक्स्ट, बुज़ुर्ग पेड़ ने कौन सी मुख्य बात पर ध्यान रखने को कहा? बुज़ुर्ग पेड़ ने कहा, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में जिन कथनों को बुज़ुर्ग पेड़ ने कहा हो उनके सामने बुज़ुर्ग पेड़ और अन्य के सामने परेशान हाल पेड़ लिखिए।
फर्स्ट रेस में तुम क्यों रो रहे हो? तो इसे कहा था बुजुर्ग पेड़ ने, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, परेशान हाल पेड़, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं, परेशान हाल पेड़, तो अभी डरने की बात नहीं है बुजुर्ग पेड़, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो बुजुर्ग पेड़। नेक्स्ट, मेल कीजिए सूखे पत्ते बुजुर्ग पेड़, घना जंगल सही राह। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। तो इसमें एकत्र प्लस इत, इसमें इत प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। तो जैसे एकत्र प्लस इत एकत्रित, उसी तरह विस्तार प्लस इत विस्तारित, पीड़ा प्लस इत पीड़ित, व्यथा प्लस इत व्यथित, चर्चा प्लस इत चर्चित। नेक्स्ट, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें गलत मात्राओं का प्रयोग हुआ है, आपको सही मात्रा का प्रयोग करके शब्दों को सही करके लिखना है। कुल्हाड़ियाँ, इसका सही शब्द है कुल्हाड़ियाँ। एकत्रित, थर्ड बुजुर्ग, फोर्थ बुराइयाँ। मौखिक उत्तर, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? तो पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, फूल और लकड़ी प्रदान करते हैं। बरगद के पेड़ की आयु लगभग कितनी होती है? तो बरगद के पेड़ की आयु लगभग 250 वर्ष होती है, 250 वर्ष। कश्मीर का कौन सा फल प्रसिद्ध है? इसका आंसर है सेब। लास्ट, पेड़ काटने से क्या हानियाँ होती हैं? तो पेड़ काटने से हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती। अब कुछ अलग करें। तो इसमें पूछा गया है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, वृक्षों से होने वाले लाभ के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो ये आपको वीडियो में दिए जा रहे हैं, इन्हें भी आप अपनी बुक में फिल करेंगे। फर्स्ट है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष प्रदूषण को कम करते हैं। थर्ड, वृक्षों से हमें भोजन मिलता है। फोर्थ, वृक्षों की जड़ें भूमि के कटान को रोकती हैं। फिफ्थ, वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है। सिक्स्थ, वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं। सेवन्थ, वृक्षों से हमें फल मिलते हैं। एट्थ, वृक्ष हमें छाया देते हैं। नाइन्थ, पेड़ पौधों की पत्तियों से हमें खाद मिलती है। पेड़ पौधों की पत्तियों से हमें खाद मिलती है। 10, वृक्षों से हमें औषधियाँ मिलती हैं। तो 9th सेंटेंस में पेड़ पौधों की पत्तियों से, इसमें से वर्ड छूट गया है तो उसे आप लिख लेंगे स्वयं, पेड़ पौधों की पत्तियों से हमें खाद मिलती है। ये नेक्स्ट है, खेल खेल में नीचे दिए गए पेड़ों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। इसमें फर्स्ट पेड़ है बरगद का, सेकंड है आम, फिर है नारियल और लास्ट में केला। अब इसमें नेक्स्ट है, अपने माता पिता के सहयोग से गमले या बगीचे में एक पौधा लगाइए और उसको मनपसंद कोई नाम दीजिए। तो ये आपकी इच्छा है, ये आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेड़ लगाएंगे तो उससे आपका जो वातावरण है वो शुद्ध होगा। तो इस वीडियो में आपको 6th चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट वीक से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, तो उसमें आपको 7th चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।